हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का प्रोकैरियोटिक सेल तक कंप्लीट किया था। प्रोकैरियोटिक सेल में एक फ्लैजिला था, जो फ्लैजिला होता है वो भी फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोटिक सेल हम स्टार्ट करेंगे। यूकैरियोटिक सेल है क्या? यू मतलब मॉडर्न टाइप, या यू मतलब ट्रू, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। जिसमें मॉडर्न टाइप का ट्रू वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। कौन कौन आते हैं इसमें? मोनेरा को छोड़ के सारे आते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो बचे मोनेरा के अलावा किंगडम, वो सारे यूकेरियोट्स में आ जाते हैं। अब यूकेरियोटिक सेल में अंतर क्या है प्रोकैरियोट से? सबसे पहले तो इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवलप आ जाता है। साथ में इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन किस तरह से मिलेगा? क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलेगा तो ये हो जाएगी यूकेरियोटिक सेल एडवांस टाइप की। अगर हम यूकेरियोटिक सेल में देखें तो इसमें कई तरह के कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे इसमें साइटोस्केलेटन भी आता है। ये यूकेरियोटिक सेल डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, आइडेंटिकल नहीं होती हैं। प्लांट्स में और एनिमल में भी डिफरेंट सेल्स होती हैं। इतना भी डिफरेंस नहीं होता, कुछ हद तक डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल सिर्फ प्लांट में मिलेगा, एनिमल्स में नहीं होगा, और अगर है तो बहुत छोटा होगा। मिडिल लैमिला सिर्फ प्लांट्स में होगा, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में नहीं होगा। वहीं पे जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी सिर्फ प्लांट्स में होगा, प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में होगा। और ये जो आगे चलते हैं इसमें क्या क्या है? माइक्रोविलाई ये प्लांट्स में नहीं होती है, सेंट्रियोल प्लांट्स में नहीं होता है, और इसमें जो बचा बाकी ये सभी कॉमन होता है। अब आगे हम देखते हैं कौन कौन इसमें मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हम बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहें तो इसमें हम बोलेंगे कि ये किस तरह की होती है, लिपोप्रोटीनस इन नेचर। अगर हम सेल मेम्ब्रेन का नेचर देखें तो लिपोप्रोटीनस मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर ये बना होता है, इसलिए हम इसको लिपोप्रोटीनस बोलते हैं। अब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी कब की गई? तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही इसकी डिस्कवरी की गई थी, इसकी डिटेल्ड स्टडी की गई थी 1950 के बाद। किस पे कौन सी मेम्ब्रेन ली थी जिस पे स्टडी की थी? तो हम कहेंगे कि ह्यूमन आरबीसी जो है, उस ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन को इसमें स्टडी करने के लिए लिया गया था। अब किसका बना होता है? मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, मेनली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए हमने इसको लिपोप्रोटीनेशन नेचर बोला था। उसमें भी कौन सी होती है लिपिड? मेनली मेजरली इसमें फॉस्फोलिपिड देखने को मिलेगी, मेजरली फॉस्फोलिपिड देखने को मिलेगी, जो कि बायलेयर के फॉर्म में अरेंज होती है। अब ये सारी स्ट्रक्चर समझने के लिए कई सारे मॉडल्स भी आए थे, जैसे कि डेविसन डेनेलिव का मॉडल था, ट्रायलेमिलर और सैंडविच मॉडल के नाम से उसको जानते थे। नेक्स्ट इसमें एक और मॉडल था जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जानते थे, लेकिन वो दोनों ही प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो प्रॉपर एक्सेप्ट भी उसको नहीं किया गया। अब तक का सबसे एक्सेप्ट किया जाने वाला मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं लिपिड किस तरह से अरेंज है मेम्ब्रेन के अंदर। अब लिपिड मॉलिक्यूल को समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक मैंने हेड बनाया,
जो हेड है ये पोलर होता है, ये हेड है जो कि पोलर है, साथ में पोलर के साथ साथ हाइड्रोफिलिक है। पोलर के साथ साथ हाइड्रोफिलिक है। पोलर क्यों है? पोलर ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये पोलर होता है। अब टेल, टेल इसमें कहाँ है? तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टेल दिखाई देंगी। अब ये इसमें एक बैंड आ गया। क्यों बैंड आया? कि ये जो टेल है एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन की चेन है जो कि फैटी एसिड की बनी होती है। हाइड्रोकार्बन की चेन जो फैटी एसिड की बनी होती है, अगर वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब ऐसी कार्बन चेन, ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। अगर कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वहीं पे वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, और जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और अनसैचुरेटेड होने की वजह से उसमें एक बैंड आ जाएगा जिसको हम किंक बोलते हैं। अब ये क्या है? ये टेल है दोनों। तो टेल किस तरह की होगी? नॉन पोलर होगी। अब नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक भी होगी। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रो फोबिक दोनों एंड हो, उसको हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। अभी लिपिड को अगर हम देखें तो लिपिड के पास क्या क्या कंपोनेंट होंगे? फॉस्फोलिपिड के पास तो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया ग्लिसरॉल, इस ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड यहाँ अटैच हुआ, एक फैटी एसिड की चेन यहाँ अटैच हुई, एक फैटी एसिड की चेन यहाँ अटैच हुई, और एक यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप और इसी से अटैच होता हुआ कोलीन ग्रुप, ये जो बना ये फॉस्फोलिपिड कहलाएगा। ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? फॉस्फोलिपिड। इस फॉस्फोलिपिड को अगर हम समझें तो ये फैटी एसिड टेल में होती है, ये फैटी एसिड भी टेल में होगी, और ये ग्लिसरॉल, फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन ग्रुप तीनों मिलके हेड बनाते हैं। तो इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये कैसा हो जाएगा? हेड पोलर हो जाएगा, जबकि हाइड्रोकार्बन टेल जो थी वो नॉन पोलर होती है। अब आगे बात करते हैं इसकी, आगे इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। अब पोलर हेड हमने देख ही लिया, पोलर मतलब पोलरिटी, जिसमें पोल क्रिएट हो जाए उसको हम पोलर बोलते हैं। अगर पोलर को हम देखें तो पोलर उस डायरेक्शन में रहेगा जहाँ पे पानी हो, मतलब कि वाटर लविंग। पोलर का मतलब है वाटर लविंग, मतलब हाइड्रोफिलिक है, तो इस साइड वाटर होगा। अब वाटर सेल के अंदर भी होता है, वाटर सेल के बाहर भी होता है। अगर मैं यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाऊं, मैंने कहा ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में बाहर भी वाटर होगा, अंदर भी वाटर होगा, इसको आउटसाइड लिख देते हैं,
इसको इनसाइड लिख देते हैं। अगर ये कुछ इस प्रकार से अरेंज होते, सिंगल लेयर होती, तो इस डायरेक्शन में तो वाटर रह सकता है, या फिर हम कहें ये मेम्ब्रेन इस डायरेक्शन में तो रख सकती है पानी को आउटसाइड, लेकिन ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है तो ये खराब हो जाएगा। मतलब इस तरह से ये सर्वाइव, या इस तरह से मेम्ब्रेन की कंपोजिशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो टेल रीजन है इसका, ये हाइड्रोफोबिक होता है और पानी के कांटेक्ट में नहीं रह सकता है, तो ये इस तरह से अरेंज नहीं होगा। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि लिपिड बाई लेयर बनती है, ये एक लिपिड लेयर बनी और इस तरह से कुछ दूसरी लिपिड लेयर बन रही है। तो इसमें दोनों हाइड्रोफोबिक टेल, दोनों साइड से लिपिड मेम्ब्रेन जो थी, जो लिपिड बाई लेयर है, उसके जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो दोनों एक ही साइड में आ गए हैं, जिस वजह से सेल के बाहर भी पानी था, सेल के अंदर भी पानी था, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों के जो हाइड्रोफोलिक एंड हैं, दोनों के जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो पानी की डायरेक्शन में है, जबकि दोनों के जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो एक साथ आ चुके हैं। इस अरेंजमेंट में ये पॉसिबल है, इसीलिए हम इसको सही मानते हैं। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। और इसका जो अरेंजमेंट है मेम्ब्रेन का, कुछ इस तरह से होता है, प्रोटीन की लेयर, फिर उसके अंदर एक लिपिड लेयर, फिर उसके अंदर एक लिपिड लेयर, फिर प्रोटीन लेयर। इस लिपिड लेयर को हम मिला के लिपिड बाई लेयर बोलते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें तो लिपिड बाई लेयर का साइज होता है अप्रोक्स 35 एंगस्ट्रम, प्रोटीन का 20 एंगस्ट्रम, इस प्रोटीन का भी 20 एंगस्ट्रम, सभी को मिला के ये 75 एंगस्ट्रम बनता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम इसकी रेंज हो जाया करती है। इस तरह से ये हमने कुछ कुछ डेटा देखा लिपिड बाई लेयर का, जिसको हम लिपोप्रोटीनस नेचर, लिपोप्रोटीनस लेयर का हमने इस यहाँ पे डेटा देखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और इसमें क्या क्या मिलेगा। पोलर हेड आउटर साइड, बाहर की तरफ पोलर हेड होते हैं, एंड हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स इनर साइड। तो यहाँ पे अंदर की तरफ हमने वो हाइड्रोफोबिक टेल देख ली और दोनों डायरेक्शन में बाहर की साइड हमने हाइड्रोफिलिक हेड देखा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि नॉन पोलर टेल जो होती है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की होगी। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हो, कहीं कहीं पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल सकता है, जिससे कि किंक बना लेगा। यहाँ पे हम इसको नाम देंगे फिर किंक। अब हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस मीडियम, एक्वस एनवायरनमेंट से हाइड्रोकार्बन को प्रोटेक्ट किया जाता है। इन एडिशन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेंस कोलेस्ट्रॉल। अब फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अब कौन कौन होता है, क्या क्या काम करता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो इसका डेटा हमें याद रखना है कि 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। अगर हम किसी कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे 52% हमें प्रोटीन देखने को मिल रहा है, 40% हमें लिपिड देखने को मिल रहा है, बचा 8%। तो 8% में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, ये सब इसमें आ जाते हैं। अभी कंपोजिशन है किसकी, तो ये कंपोजिशन भी याद रखना है, ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन की है, मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। अब इस कंपोजिशन के आगे हम देखते हैं तो इसमें हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा।
तो इस डायग्राम को समझते हैं हम। डायग्राम में हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखाई दे रहा है। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अगर ध्यान से समझें तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्या क्या वो चीज़ें होंगी? तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है इसमें शुगर। ये जो शुगर है एक्चुअल में ये ऑलिगोसैकराइड होता है, ऑलिगो सैकराइड। कौन होते हैं ऑलिगो सैकराइड? ऐसी कार्बन, ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन, या फिर हम कहें ऐसा पॉलीमर जिसमें दो से ज्यादा मोनोमर्स जुड़े हों। कहाँ तक? 2 से 10 तक। 2 से 10 यूनिट तक जुड़े हुए हों उसको हम बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड। एग्जाम्पल में जैसे स्टार्च और सुक्रोज था, सुक्रोज में 2 यूनिट होती हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, तो उसमें 2 यूनिट है। अब 2 से लेकर 10 यूनिट तक जिसमें हो तो उसको हम ऑलिगोसैकेराइड में रखते हैं, जैसे कि डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, इस तरह से। अब ये प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन भी 2 तरह की होती है, एक पेरिफेरल प्रोटीन, एक इंटीग्रल प्रोटीन। ये पेरिफेरल प्रोटीन है और ये इंटीग्रल प्रोटीन है। तो जो इंटीग्रल, ये किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया, ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गई, ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे, मतलब इजीली किसको रिमूव किया जा सकता है उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया कि पेरिफेरल प्रोटीन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन को इजीली रिमूव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल कर क्या रहा है? शुगर मॉलिक्यूल सेल रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होता है। क्या करेगा शुगर मॉलिक्यूल? इन्वॉल्व्स इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। अब सेल टू सेल रिकॉग्निशन में ये पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि किसी भी ब्लड ग्रुप है, कोई ब्लड ग्रुप पे जो आरबीसी की सरफेस पे उस पर एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो वो भी इस चीज से बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही बने होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं हमें, ये मॉलिक्यूल्स लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हमें दिख रहे हैं ये लिपिड मॉलिक्यूल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इस लिपिड मॉलिक्यूल्स को हम देखें तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल हमें दिखे इसके ऊपर कुछ शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। अगर लिपिड के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको लिपिड। अगर लिपिड मॉलिक्यूल के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा है तो हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो हम नाम देंगे इसको ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन जो बनाए जाते हैं वो प्रोसेस होती है ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ये इन्वॉल्व किस में हो रहे हैं? सेल टू सेल रिकॉग्निशन में, और सेल टू सेल रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं कौन? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। बने कहाँ या किस प्रोसेस के द्वारा बने? तो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन के द्वारा इनको बनाया जाता है। इसके द्वारा जब बनाया जाएगा तो वो ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसाइडेशन कौन करता है? तो वो गोल्जी बॉडी करती है। तो हम कह सकते हैं गोल्जी बॉडी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्स इन द सेल टू सेल रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा इसमें? ये हमें कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहा है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। अभी अभी हमने पढ़ा था फ्लूइड मोजेक मॉडल है। मोजेक का मतलब क्या होता है? मोजेक का मतलब होता है पैचेस, पैचेस मतलब कि अगर हम इसको सरफेस व्यू देखें तो ये जो प्रोटीन दिखाई दे रही है हमें ये पैचेस की फॉर्म में दिखाई देंगी। ये जो प्रोटीन दिख रही है ये पैचेस की फॉर्म में, जैसे मैं ये सरफेस बनाता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमें प्रोटीन दिखाई दे सकती है पैचेस की फॉर्म में। तो सरफेस व्यू था ये, तो इसीलिए इसको मोजेक मॉडल कहा गया। अब इसमें एक नाम आ रहा है फ्लूइड मोजेक मॉडल है, मतलब कि ये फ्लूइड नेचर का है, तो फ्लूइडिटी इसमें देखने को मिलेगी। तो फ्लूइडिटी क्या होती है कि ये जो
मेम्ब्रेन है ही लगभग ना तो सॉलिड होती है ना ही ज्यादा लिक्विड होती है, एक इंटरमीडिएट स्टेज इसमें देखने को मिलेगी। अब ये इंटरमीडिएट स्टेज कोलेस्ट्रॉल ही मेंटेन करता है। किस तरह से कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है कि अगर अगर सेल ज्यादा रिजिड हो गई है, अगर सेल ज्यादा रिजिड हो रही है मतलब सेल मेम्ब्रेन में रिजिडिटी ज्यादा बढ़ रही है, तो रिजिडिटी को कम करने के लिए यहाँ से नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल हटा दिए जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देने से जो रिजिडिटी है वो कम हो जाएगी और जो इसकी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी फ्लूइड नेचर की हो जाएगी। और अगर ज़्यादा लिक्विड नेचर की सेल मेम्ब्रेन हो गई है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इसमें थोड़े से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने से क्या होगा, इसकी जो रिजिडिटी है थोड़ी मेंटेन होगी और सेल ज़्यादा लिक्विड नेचर से फ्लूइड नेचर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कोलेस्ट्रॉल का काम समझा, लिपिड का काम समझा और प्रोटीन का काम समझा। प्रोटीन जो एक जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जिसको पेरिफेरल को पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। ये बेसिकली एंजाइमेटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन की तरह बिहेव करती है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स को ये पास कराती है इस डायरेक्शन में, और जरूरत पड़ने पर इस डायरेक्शन में दोनों तरफ से ये काम करा सकती है। डिपेंड करता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल कौन सा है। तो इंटीग्रल प्रोटीन बेसिकली कैरियर प्रोटीन की तरह और चैनल प्रोटीन की तरह यहाँ पे काम किया करती है। अगर मैं इंटीग्रल प्रोटीन को देखूँ तो इसमें दो तरह की होती है, एक पार्शली टोटली बरीड प्रोटीन होती है, एक पार्शली बरीड प्रोटीन होती है। तो टोटली बरीड प्रोटीन जो है ये तो कैरियर प्रोटीन की तरह और चैनल प्रोटीन की तरह बिहेव करती है, लेकिन जो पार्शियली बरीड होती है वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगी। ये भी एक्चुअल में एंजाइमेटिक रिएक्शन में ही इन्वॉल्व होती है और साथ में ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है मेम्ब्रेन को। अब इसकी एनालॉजी है मतलब कि इसको किसके जैसा बताया गया था इस मेम्ब्रेन को, तो कुछ ऐसा बताया गया था सी ऑफ फॉस्फोलिपिड को बताया गया था कि जो फॉस्फोलिपिड दिखाई दे रहे हैं ये समुद्र की तरह है, समुद्र की सरफेस की तरह है, और इसमें जो ये लिपिड मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ये लिपिड मॉलिक्यूल इसमें आइसबर्ग्स की तरह है। तो सी आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन फ्लोट्स ऑन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसके लिए जो स्टेटमेंट दिया जाता है आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन फ्लोट्स ऑन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आइसबर्ग्स हो गए प्रोटीन के, ये प्रोटीन के आइसबर्ग्स हो गए जो सरफेस पे से देख रहे थे, आइसबर्ग्स हो गए सारे, और ये बाकी जो स्पेस दिख रहा है फ्री वाला ये लिपिड लेयर जो है इसको हम सी ऑफ फॉस्फोलिपिड बोलता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, इसमें पेरिफेरल प्रोटीन हमने देख ली, इंटीग्रल प्रोटीन हमने देख ली, किस काम में आती है वो भी हमने देखा। अब कौन सा मॉडल था जिसको हमने अभी अभी देखा, तो फ्लूइड मोजेक मॉडल था। किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। 1972 में ये मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसका नेचर कैसा है, क्वासी फ्लूइड नेचर है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर कैसा होता है, यहाँ पे क्वासी का मतलब क्या होता है, क्वासी का मतलब होता है सेमी, और फ्लूइड तो मतलब फ्लूइड होता ही है। तो सेमी फ्लूइड मतलब कि लगभग पार्शियली लिक्विड और पार्शियली सॉलिड वाली स्टेट हम बोल सकते हैं। अब इसके क्वासी फ्लूइड नेचर से फायदा क्या है, तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर होता किसका है, लिपिड का। वो याद रखना है कि क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का है। उस क्वासी फ्लूइड नेचर की मदद से लेटरल मूवमेंट प्रोटीन शो करेगा। ये कुछ इस तरह से होगा कि ये एक लिपिड लेयर थी, लिपिड बाई लेयर, ये एक लिपिड बाई लेयर हो गई, इस लिपिड बाई लेयर में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे है। अभी प्रोटीन मॉलिक्यूल लेटरल मूवमेंट शो करेगा, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल लेटरल मूवमेंट तब शो करेगा जब ये जो हाइड्रोफोबिक चेन है, ये जो टेल बनाई है, अभी टेल क्वासी फ्लूइड नेचर की होगी। जो क्वासी फ्लूइड नेचर की होगी तो लेटरल मूवमेंट शो करेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, जो कि लेटरल मूवमेंट कौन शो करता है, प्रोटीन शो करती है, जबकि क्वासी फ्लूइड नेचर किसका है,
लिपिड मॉलिक्यूल का है। अब इस नेचर को, ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, इस नेचर को हम फ्लूइडिटी में मेजर करते हैं। इस क्वासी फ्लूइड नेचर को फ्लूइडिटी के फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन कर सकती है? तो साहब सेल ग्रोथ कराएगी, फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन। इंटर सेलुलर जंक्शन क्या होता है? एक सेल है, एक दूसरी सेल है, इसके बीच में जो जंक्शन बनवाएगी वो इंटर सेलुलर जंक्शन किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। एक सेल यहाँ है, दूसरी सेल यहाँ है, इसके बीच में जंक्शन बना तो प्लाज्मा सेल इसमें काम करती है। तो सेल ग्रोथ कराई, सेल इंटर सेलुलर जंक्शन कराया, साथ में सिक्रेशन, सेल सिक्रेशन कराती है, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंट्री कराना किसी भी चीज़ का, मतलब कि सेल को, सेल के द्वारा कुछ अपटेक किया जाना एंडोसाइटोसिस होता है, सेल से कुछ रिमूव कर देना एक्सोसाइटोसिस होता है। सेल डिवीजन में हेल्प कर रही है, सेल डिवीजन में किस तरह से हेल्प करेगी तो वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसके और क्या फंक्शन हो सकते हैं? तो मेन फंक्शन इसका ट्रांसपोर्ट का है, मेन फंक्शन इसका ट्रांसपोर्ट का है कि मॉलिक्यूल उसको ट्रांसपोर्ट करती है। अगर नेचर के बारे में बात करें तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। एक मेम्ब्रेन होती है जो कि इम्परमेबल है, जो किसी को भी आने जाने न दे। एक मेम्ब्रेन होती है जो सेमी परमेबल होती है, जो एक लिमिटेड साइज तक ही क्रॉस करे, उसके ऊपर ही क्रॉस न करने दे मॉलिक्यूल्स को। तो हमने पढ़ा इम्परमेबल, दूसरा पढ़ा हमने सेलेक्टिव सेमी परमेबल। सेमी परमेबल के बाद होता है परमेबल। परमेबल कौन होगी? जो किसी को भी अंदर आने जाने दे या बाहर आने जाने दे। दूसरा और लास्ट सेलेक्टिवली परमेबल, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही एंट्री ले और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो एग्जिट हो जाए सेल के अंदर से, तो उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। अब उसका साइज मैटर नहीं करता, अगर वो छोटे साइज का मॉलिक्यूल भी है और अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। अब इसमें दो तरह के हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू लेवल ग्रेडियंट ये मूव किया करता है। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी ATP नहीं, खर्चा नहीं होगा। इसको हम डाउनहिल प्रोसेस भी बोलते हैं, इसमें हम ऑस्मोसिस को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिफ्यूजन सुना है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी चीज़ का मूवमेंट फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेडियंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, सिंपल सा। अब नेक्स्ट हमने सुना है क्या? सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन यही था। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये कैसा डिफ्यूजन है? जैसे यहाँ पे हमने मेम्ब्रेन देखी, ये मेम्ब्रेन थी, इस मेम्ब्रेन में जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन से डायरेक्टली। जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं इजीली यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि लिपिड भी हाइड्रो, लिपिड भी पोलर नहीं होता, मतलब कि लिपिड मॉलिक्यूल नॉन पोलर में काउंट होगा कंप्लीट को अगर हम देखते हैं, और जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो इजीली इसमें डिजोल्व होके इसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं, अब पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर हो गया, ये पोलर है, वाटर पोलर है यहाँ पे, तो इस तरह के मॉलिक्यूल कैसे काम, कैसे एंट्री करेंगे या किस तरह से इसमें जाएंगे? तो उसके लिए कुछ चैनल प्रोटीन अलग से प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा था इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है वो चैनल प्रोटीन और टनल प्रोटीन की तरह से काम करती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो इसको एंट्री कराएगी, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए अलग से चैनल प्रोवाइड किए गए हैं, उसके लिए अलग से चैनल प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये चैनल प्रोटीन जो है, ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है, ये इसको क्रॉस कराती है मेम्ब्रेन को, किसके लिए? पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो हम कहेंगे जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे उनके लिए हमने एक अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, किस फॉर्म में? कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन की फॉर्म में। तो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई उनके डिफ्यूजन के लिए, तो हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि वो भी डायरेक्शन के, क्योंकि वो भी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही हो रहा था, तो उसको भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में काउंट करते हैं।
अब स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन, एक स्पेसिफिक टाइप होता है डिफ्यूजन का जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है मेम्ब्रेन के, मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूट मूव नहीं करता है। तो इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा अपने हायर लेवल से अपने लोअर लेवल पे, लेकिन सॉल्यूट मूव नहीं करता। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस भी दो तरह का होता है। अगर पानी जो सॉल्वेंट है, बेसिकली सॉल्वेंट में वाटर की बात करते हैं, तो अगर वाटर सेल के अंदर जा रहा है तो हम बोल देंगे एंड ऑस्मोसिस, और अगर सेल से बाहर जा रहा है तो हम बोल देंगे एक्स ऑस्मोसिस। अगर वाटर सेल के अंदर जा रहा है तो हम बोल देंगे एंड ऑस्मोसिस, और अगर सेल के बाहर जा रहा है तो एक्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हमने समझा। ऑस्मोसिस में और थोड़ा सा अगर हम देखें, तो अगर दो चैम्बर में बनाऊँ, इस चैम्बर में दोनों एक एक लीटर का वॉल्यूम है, यहाँ पे सॉल्यूट मैंने डाला, मान लो 50 ग्राम सॉल्यूट है, 50 ग्राम सॉल्यूट है यहाँ पे, यहाँ पे 500 ग्राम सॉल्यूट है, वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे सॉल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहाँ सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है मतलब पानी ज़्यादा है, और कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब पानी कम है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा जहाँ होती है वहाँ पे सॉल्वेंट कम होता है, और कंसंट्रेशन कम जहाँ होती है वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होता है। तो अगर मैं इसको ऑस्मोसिस के रेस्पेक्ट में बात करूँ, तो वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन जहाँ कम है वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, और कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पानी कम होता है। तो ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये मूव करता है, इसको हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये काम किया करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि हमने नर्व न्यूरॉन पढ़ते हैं, तो न्यूरॉन में हम क्या पढ़ते हैं, ये एक्सोन हो गया, एक्सोन में पॉजिटिव 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 बाहर चले गए, और ये नेगेटिव 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 अंदर आ जाते हैं। किस तरह से आते हैं, तो यहाँ पे एक पंप लगी होती है, वो पंप कौन सी है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। अभी क्या करेगी सोडियम पोटेशियम पंप, दो के पॉजिटिव अंदर और 3 के पॉजिटिव बाहर, सो 3 Na पॉजिटिव बाहर, तो 2 के पॉजिटिव अंदर और 3 Na पॉजिटिव बाहर। तो बाहर जो सेल है, सेल के बाहर की डायरेक्शन में सोडियम आयन बढ़ रहे हैं, सेल के बाहर की डायरेक्शन में सोडियम आयन बढ़ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे, अब यहाँ पे लोअर हो गए, अगर हम इसको इधर देखता तो अंदर की तरफ सोडियम आयन कम हो गए, बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है, फिर भी इस ई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के बाद भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सोडियम को भेजा जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसमें एटीपी खर्च होगा, तो जब एटीपी का खर्चा होगा, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भेज रहे हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल में भेज रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ऐसा और कहाँ मिलता है ऐसा, एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं लाइजोसोम में, उसके एक्टिवेशन में भी हाइड्रोजन आयन पंप का यूज़ करते हैं। बेसिकली अपने लोअर लेवल से अपने हायर लेवल की तरफ किसी चीज़ को भेजना है, जैसे कि ज़मीन से पहाड़ के ऊपर किसी को भेज रहे हैं, तो उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काउंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब सेल वॉल में है क्या क्या, सबसे पहले तो नॉन लिविंग रिजिड कंपोनेंट है। नॉन लिविंग क्यों है, क्योंकि ये एक सेल का ही प्रोडक्ट है जो कि सेल के प्रोटोप्लाज्म के द्वारा सिक्रेट किया जाता है एक्चुअल में।
नॉन लिविंग कंपोनेंट हुआ करता है। अब ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, किससे, बाहर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जो अनवांटेड मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एंट्री को रोकेगा, अनवांटेड मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रोकेगा, साथ में इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो मेनली जो फंजाई की सेल वॉल होती है, फंजाई की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, सॉरी काइटिन की बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन का पॉलीमर होता है, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन का पॉलीमर हुआ करता है। वहीं पे प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनी होती है वो किस किस की बनी होगी, तो इसमें सेल्यूलोज होगा, हेमी सेल्यूलोज होगा, पेक्टिन होगा, साथ में प्रोटीन होगा। तो क्या क्या हुआ, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ये प्लांट सेल बनी हुई है। अब प्लांट सेल के बाद हम प्लांट सेल में एक और एल्गल सेल वॉल की बात करें तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल्स, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल्स, कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एल्गल सेल वॉल में देखने को मिलता है। अब हम इसको आउटर टू इनर साइड में इसको किस तरह से डिपोजिशन होता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये एक लेयर बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गई मिडिल लेमिला, एक सीमेंटिंग लेयर, मिडिल लेमिला एक सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू नेबरिंग सेल। अभी सीमेंटिंग लेयर बनाने के बाद यहाँ पे एक दूसरी, इधर मैं सेल वन मान लेता हूँ, इधर मैं सेल नंबर वन मान लेता हूँ, पहले नंबर की सेल है, इधर मैं दूसरे नंबर की सेल मान लेता हूँ, दोनों पड़ोस पड़ोस में रहती हैं। अब यहाँ पे ये हो गई मिडिल लेमिला, अब यहाँ पे प्राइमरी सेल का डिपोजिशन, सेल वॉल का डिपोजिशन होगा, तो ये जो डिपोजिशन हो रहा है ये प्राइमरी सेल वॉल बन रही है, प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो प्राइमरी सेल वॉल के लिए कंपोजिशन यही रहेगी, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन ही रहेगी कंपोजिशन में। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, ये सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है, ये जो थी ये प्राइमरी सेल वॉल थी, ये सेकेंडरी सेल वॉल बनी, इसको हम S1, एक और बनेगी तो उसको हम S2, एक और बनेगी तो उसको हम S3, इस तरह से देखते हैं। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो किस डायरेक्शन में बनी, तो सबसे पहले हमें कौन मिली, सबसे पहले हमें मिडिल लैमेला मिलेगी, उसके अंदर हमें प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी, नेक्स्ट उसके अंदर हमें सेकेंडरी मिलेगी, सेकेंडरी में भी पहले S1, फिर S2, फिर S3 मिलेगी, इसके बाद किसी किसी केस में टर्शरी मिलती है, सभी में नहीं मिलती है, जैसे कि ट्रैकेट्स, जो वेस्कुलर से टिश्यू होता है जाइलम, उसमें ट्रैकेट्स में ये देखने को मिलती है, जिसको टर्शरी बोलते हैं, तो टर्शरी आइडियली हम नहीं पढ़ते हैं। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और इसके बाद यहाँ पे मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर टर्शरी है तो टर्शरी मिलेगी, नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ डायरेक्शन देखें तो सबसे पहले मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये बाहर से अंदर की तरफ
सीक्वेंस हो गया। अगर अंदर से बाहर तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिडिल लैमेला। अगर पूछेगा कि सबसे बाहर सेल में कौन मिलेगी, सबसे बाहर सेल में मिडिल लैमेला मिलेगी, सबसे अंदर सेल में कौन सी वॉल मिलेगी, तो सेकेंडरी वॉल मिलेगी। प्लाज्मा साइटोप्लाज्म के सबसे करीब कौन सी वॉल होगी, तो सेकेंडरी वॉल होगी। अगर पूछेगा कि प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म के सबसे पास वाली सेल वॉल, तो सेकेंडरी। प्लाज्मा साइटोप्लाज्म के सबसे दूर वाली मिडिल लैमिला, प्लाज्मा के सबसे दूर साइटोप्लाज्म के सबसे दूर वाली मिडिल लैमिला होगी। अगर लेयर वाइज पूछेगा तो प्लाज्मा के सबसे पास जो लेयर है वो साइटोप्लाज्म के सबसे पास वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर पूछेगा कि साइटो प्लाज्म के सबसे पास वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, सबसे दूर वाली लेयर मिडिल लैमेला। क्योंकि अगर लेयर वाइज ये लेयर भी है, ये सभी लेयर का काम भी करेंगी, लेकिन ये वॉल नहीं है। अगर लेयर पूछ रहा है पास वाली, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगाएंगे, और वॉल पूछेगा तो सेकेंडरी वॉल लगाएंगे। यहाँ पे हमने सेल वॉल देखा। अब सेल वॉल में एक और याद रखना है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो ग्रेजुअली डिमिनिश होने लगती है जैसे जैसे सेल मैच्योर होगी, और उसमें सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होगा। और एक नई चीज़ क्या है इसमें याद रखनी है कि जो प्राइमरी वॉल थी, प्राइमरी में सेलुलोज था, हेमीसेलुलोज था, पैक्टिन था, प्रोटीन था, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन एक्स्ट्रा होता है। सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन एक्स्ट्रा होता है। जब तक सेल में प्राइमरी वॉल है, जब तक सेल में प्राइमरी वॉल है, वो ग्रोथ भी कर सकती है, वो एक्सपेंड भी कर सकती है, वो डिवाइड भी कर सकती है। तो क्या क्या हुआ, जब तक प्राइमरी वॉल है तो वो ग्रोथ भी कर सकती है, एक्सपेंड भी कर सकती है, और डिवाइड भी कर सकती है। लेकिन जिस समय सेल में सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, एक्सपेंड भी नहीं कर सकती और डिवाइड भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंडरी वॉल होती है वो रिजिड होती है, सेकेंडरी वॉल रिजिड होती है, जिस वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ है सेल की वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसका सीक्वेंस भी देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिडिल लैमेला इज द लेयर किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेड और मैग्नीशियम पैक्टेड दोनों की बनी होती है, मेनली कैल्शियम पैक्टेड। ध्यान रखना कि मिडिल लैमेला जो होती है वो कैल्शियम पैक्टेड और मैग्नीशियम पैक्टेड दोनों होते हैं, जो कि मेनली इसमें कैल्शियम पैक्टेट हुआ करता है। इसको हमने सीमेंटिंग लेयर बोला था। तो ये क्या करती है, दो नेबरिंग सेल्स को चिपका के रखती है, तो इसको ग्लू भी बोल देते हैं। तो ये नेबरिंग सेल्स को साथ में अटैच करके रखाएगी। अब इसमें ही एक कनेक्शन बनता है जिसको हम बोलते होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, कि अगर इन सब को क्रॉस करता हुआ एक कनेक्शन बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। क्या करता है प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा नेबरिंग सेल्स में एक कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। किस तरह से कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा, तो अगर मैं इसी में देखूं, तो कुछ इस तरह से एक कनेक्शन मिलेगा इसमें, और ये कुछ इस प्रकार से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब ये जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है इसमें, ये वाला, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट कराता है। अब इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू डेस्मोटिब्यूल क्रॉस करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू डेस्मोटिब्यूल्स, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इसको आगे देखते हैं।